फ्रेंड्स मैं दिखा दे रहा हूँ कि ये जो दिया देख रहे हैं ये इसमें हमेशा 24 घंटे दिया जलता है। और बगल में जो आप कुटिया देख रहे हैं इस कुटिया में ऐसे बाबा जी रहते हैं जो उस दियों को 24 घंटे तक जला कर रखते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम प्रयागी व्लॉग्स में। फ्रेंड्स अभी मैं आया हूँ राजापुर में। राजापुर का आपको सीन दिखाने के लिए आया हूँ कि राजापुर में गंगा की जी के कछार में कहाँ तक पानी, मतलब कितना पानी आ रहा है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पीछे लोग गंगा जी में स्नान करके और जैसे जैसे तट पर आ जाता है तो लोग मछली वगैरह भी मारते हैं। तो आप लोग को बैक सीन से पूरा दिखा देता हूँ यहाँ का। और फ्रेंड देखिए थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, मेरे चेहरे पर देखिए पानी भी आ रहा है, तो थोड़ा सीन दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है राजापुर का क्षेत्र, राजापुर का गंगा कछार है। ये देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, वहाँ पे जो मकान वगैरह सारे डूब गए हैं, कहाँ कहाँ तक मकान सारे डूब गए हैं। और देखिए साइड पूरा पानी आ चुका है, कहाँ तक दूर दूर तक पानी आया फ्रेंड्स यहाँ पे। तो आइए फ्रेंड्स, एक हमारे पास लड़का है उससे कुछ पूछते हैं हम लोग। बताइए भैया, YouTube पे जाओगे? कोई दिक्कत नहीं ना? तो बताओ कि ये कब तक कब पानी आता है, ये कब से बढ़ा ये यहाँ पे? ये अभी तो हम लोग परसों आए थे यहाँ पे, तभी वो वहाँ तक पानी था, फिर परसों हम इसमें थे भी, फिर आज सुबह आए तो ये भी भरा था, यहाँ तक था। मैं अभी सुबह तो अपने दोस्तों के साथ आया था, अभी आया तो यहाँ तक आ गया। अच्छा अच्छा, ये देखो फ्रेंड्स यहाँ पे जलकुंभी वगैरह सारा यहाँ पे आ गया किनारे पे। और ये है रास्ता वगैरह सब, मतलब कहाँ तक पानी आता है अगर देखा जाए तो, मतलब जैसे वो घर है वो सामने पूरा डूब जाता होगा। हाँ, ये पूरा डूब जाता है ना? और उसमें रहने वाले सब निकल गए हैं, कोई नहीं होगा वहाँ पे? ये देखिए फ्रेंड्स, ये मकान जो है ये पूरा डूब जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी आया हूँ शास्त्री ब्रिज पर। ये आप देख सकते हैं, ये है शास्त्री ब्रिज और वो है रेलवे पुल। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए गंगा का जल स्तर किस तरह से बढ़ रहा है। वो जो आप देख रहे हैं सामने, वो जो नए रेलवे ब्रिज का जो निर्माण कार्य हो रहा था वो सिस्टम था। और वो आप देखिए, ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स नाव किस तरह से तैर रहे हैं यहाँ पे। और इस साइड जो आप देख रहे हैं बगल में लोगों के घरों में पानी पहुँच चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, लोगों के घरों में पानी पहुँच चुका है, वहाँ पुलिस वगैरह और एम्बुलेंस। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो मिट्टी जलाई जाती थी, जिसकी मतलब मृत शरीर को जलाया जाता था, तो यहीं पर जलाया जाता था, इसी साइड जलाया जाता था। लेकिन ये पानी की बूढ़ने की वजह से वो देखिए वहाँ पर कुछ साथ ऐसा कुछ कर रहे व्यवस्था। ये देखिए, ये है फ्रेंड्स दारागंज। दारागंज भी पूरा जो घरों में पानी है वहाँ पे डूबने को आया है। तो घंटे का आवाज नहीं आ रही। ब्रिज पे आपको गंगा क्षेत्र का कुछ नज़ारा दिखा देते हैं कि गंगा क्षेत्र, मतलब गंगा जी इतना तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं कि मतलब जो आसपास के घर वगैरह हैं, जो जैसे बड़े हनुमान जी हैं वो भी मतलब डूब चुके हैं, और जो आसपास के घर हैं वो भी डूब चुके हैं। और फ्रेंड मैं आपको एक मतलब सजेस्ट मिलाना चाहता हूँ, जो मतलब यहाँ पर शास्त्री ब्रिज पर फर्स्ट मीटिंग हुई, हमारी पहली मुलाकात हुई, उनसे मिलाना चाहते हैं और उनसे कुछ बात करते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स आइए मिलते हैं। जी सर, जी सर, और बताइए। तो क्या आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम सैयद आसिफ आलम जाफरी है, मैं फूलपुर से बिलोंग करता हूँ। और प्रोफेशन आपका? प्रोफेशन एज आई एम ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एट जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी। तो ये बताइए कि ये जो आप माहौल देख रहे हैं इस समय गंगा क्षेत्र का, आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशनुमा माहौल बना हुआ है और लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, और लोगों को बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मतलब गंगा जी बढ़ी हुई है और लोगों को ये महसूस हो रहा है कि वाकई एक पवित्र पावन नगरी में हम लोग निवास कर रहे हैं। अब
बहुत ही अच्छा मौसम बना हुआ है, लोगों को अच्छा लग रहा है, चारों तरफ लोग अपना मनोरंजन मना रहे हैं, टहल रहे हैं और सबको एक फीलिंग अच्छी सी आ रही है बहुत। अब फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे होते आप अपनी आंखों से खुद समझ जाते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पे पूरा नज़ारा लग रहा है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोग वो सारी चीज़ें देखेंगे जो आप नहीं देख पा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो भैया से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही हम्बल है आप, इसलिए हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर कि फर्स्ट मीटिंग में आपसे ये लगा कि ये आपसे काफ़ी पुरानी मुलाकात है, लेकिन अभी मुलाकात 5 मिनट की। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगा कि, तो फ्रेंड्स अभी भैया से मिलकर तो बातचीत करते हैं और आप लोग वीडियो बने रहिएगा, अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल सब्सक्राइब करके जाइए। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको एक बहुत ही मतलब ऐसी चीज़ दिखाता हूँ जो मतलब यकीन आपको नहीं होगा। आपको ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो कुटिया है इसमें एक महाराज रहते पंडित जी, और ये है जो आप देख रहे हैं कि ये एक मतलब ऐसा चीज़ है, इसमें हमेशा मतलब 2400 घंटे तो जो दिया होता है ना, दिया जलते रहता है, उसमें आग हमेशा रहते रहता है, और जो दिया जलाते हैं ये उसमें ये बाबा जी रहते हैं इस कुटिया में। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं इतनी मतलब इतना गंगा जी इतना बढ़ गई है, इतना पानी भरने वाला है, फिर भी ये बाबा जी लगातार इसी में रह रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। फ्रेंड्स थैंक यू, गुड बाय।